दोस्तों, अगर ये यूनिवर्स कैसे काम करता है इसे समझना चाहे तो साइंस में दो तरह की थ्योरीज है। एक है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स। एक थ्योरी एटॉमिक लेवल से बड़ी चीजों पर काम करती है तो दूसरी सब एटॉमिक चीजों पर। जहां क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी लॉजिकल रीजनिंग पर आसानी से खड़ी उतरती है तो वहीं क्वांटम मैकेनिक्स हमें हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जिस तरह से क्लासिकल वर्ल्ड में हम ऑब्जेक्ट्स को इंटरैक्ट करते देखते हैं, क्वांटम वर्ल्ड में वैसा नहीं होता। क्वांटम की दुनिया एक अलग ही दुनिया है जिसके अपने नियम है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में जब हमें लगने लगा था कि हम इस दुनिया को अच्छे से समझने लगे हैं, उसी दौरान कुछ साइंटिस्ट एटम के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये पता लगा सके कि मैटर फंडामेंटली किस चीज से बना है। और वहां उन्होंने जो पाया वो इतना अविश्वसनीय था कि एक बार को तो उन्होंने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन सच जब आपके सामने खड़ा हो तो उसे ज्यादा देर तक नहीं छुटलाया जा सकता। उनकी हैरानी की वजह थी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिसे हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को कई साइंटिस्ट ने अपने अपने तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश की ताकि समझा जा सके कि आखिर क्या चल रहा है। इस दौरान कुछ साइंटिस्ट ने कॉन्शियसनेस को इक्वेशन में लाकर इसे समझाना चाहा। इस आइडिया को बाद में कुछ स्पिरिचुअल गुरुज ने उठा लिया और क्वांटम के नाम पर तरह तरह के दावे करके लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। तो आखिर सच्चाई क्या है? इसे समझने के लिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है और इसमें ऐसा क्या है जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर रखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्वांटम वर्ल्ड का कॉन्शियसनेस से कोई कनेक्शन है और स्पिरिचुअल गुरु जो क्वांटम वर्ल्ड को लेकर दावे कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, साइंटिस्ट के बीच लंबे समय से ये बहस चल रही थी कि आखिर लाइट क्या है और ये फंडामेंटली किस चीज से बनी है। इस बारे में साइंटिस्ट के बीच में दो तरह की ओपिनियन थी। कुछ कहते थे कि लाइट पार्टिकल से बनी है तो कुछ कहते थे कि ये वेव भी हो सकती है। फेमस साइंटिस्ट आइजक न्यूटन खुद लाइट को पार्टिकल से बना मानते थे। लेकिन अब समस्या ये थी कि पता कैसे किया जाए कि सच क्या है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे कि हम लाइट को जूम करके देख सकें। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी चीज के नेचर को पता करने के लिए हमें उसे आंखों से ही देखना जरूरी हो। और भी कई ऐसे मेथड हो सकते हैं जिनके जरिए किसी चीज के नेचर के बारे में पता किया जा सकता है। 1802 में एक साइंटिस्ट ऐसे ही एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ आए, जिनका नाम था थॉमस यंग। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो किया कि लाइट एक्चुअल में वेव नेचर को शो करती है। इसी एक्सपेरिमेंट को आज हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का आइडिया सिंपल बट ब्रिलियंट था। आइडिया यह था कि अगर लाइट को दो बेहद पतले स्लिट्स के थ्रू गुजारा जाए तो उससे सामने स्क्रीन पर बनने वाले पैटर्न से ये पता किया जा सकता है कि लाइट का नेचर एक्चुअल में क्या है। अगर ये पार्टिकल से बनी होगी तो हमें स्क्रीन पर दो सीधी लाइंस मिलेंगी, क्योंकि जो पार्टिकल स्लिट के थ्रू पास हो पाएंगे वो सीधे जाकर स्क्रीन से टकराएंगे और वो दो सीधी लाइन ही बनाएंगे। लेकिन अगर लाइट वेव है तो यहां पर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि वेव जब स्लिट से टकराती है तो वो दो अलग अलग वेव में डिवाइड हो जाती है और फिर वो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पर कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता है जिसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न के नाम से जानते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में हमें यही पैटर्न मिलता है, जिसका मतलब ये निकलता है कि लाइट एक वेव है। ओके, तो डिबेट सेटल हो गई, साइंटिस्ट खुश हो गए एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। वेल नो, ये तो भी शुरुआत है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। इस एक्सपेरिमेंट में असल ट्विस्ट तब आया जब कुछ साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ दोहराने के बारे में सोचा। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी वो पार्टिकल जिनसे मिलकर एटम बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उन्होंने सोचा क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रॉन के साथ किया जाए। और जब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ दोहराया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। इलेक्ट्रॉन जिसे वो पार्टिकल समझ रहे थे वो भी वेव प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था। इसका सबूत था पर्दे पर मिलने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न। साइंटिस्ट ने सोचा कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपस में टकराकर इधर उधर स्कैटर्ड हो गए हों और जिसकी वजह से पर्दे पर पैटर्न बन रहा है। इस संभावना को जांचने के लिए उन्होंने लगातार इलेक्ट्रॉन्स की बौछार करने के बजाय इलेक्ट्रॉन गन से एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन को फायर करना शुरू किया। इस तरह छोड़ा गया हर इलेक्ट्रॉन स्लिट से निकलकर सामने एक पर्दे से टकराता था और जो कि एक सेंसिटिव फिल्म का बना हुआ था जिस पर उसकी इमेज बन जाती थी। इस तरह लगातार एक एक करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को फायर किया गया। बाद में जब पर्दे पर रिजल्ट्स को देखा गया तो साइंटिस्ट की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पर्दे पर अभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था।
ये तभी हो सकता था कि जब इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बर्ताव करे, क्योंकि एक वेव ही दोनों स्लिट से एक साथ निकलकर अपने ही साथ इंटरफेयर कर सकती है। इलेक्ट्रॉन गन से चूंकि एक समय में एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ा जा रहा था, तो उसके किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरफेयर करने की कोई संभावना नहीं थी। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपने ही साथ इंटरफेयर कर रहा था। साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि आखिर इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से एक साथ गुजरता हुआ कैसा दिखता है, तो इसके लिए उन्होंने स्लिट्स के पास एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा दिया। लेकिन जब डिटेक्टर की रीडिंग चेक की गई तो कोई भी इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से एक साथ गुजरता हुआ नहीं पाया गया, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक बार में दोनों में से किसी एक ही स्लिट से गुजरता था। साइंटिस्ट यहां पर चक्कर में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक बार में केवल एक स्लिट से गुजर रहा है तो फिर स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बन सकता है। पर असल झटका उन्हें तब लगा जब उन्होंने स्क्रीन को चेक किया। उन्होंने पाया कि इस बार तो इंटरफेरेंस पैटर्न बना ही नहीं है, बल्कि वो पैटर्न बना है जो कि पार्टिकल को स्लिट से गुजारने पर बनता है। यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे थे। मतलब ये कैसे हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स अचानक पार्टिकल्स की तरह कैसे बिहेव करने लगे। पूरी जांच करने के बाद आखिर में कंक्लूजन ये निकला कि जब भी हम डिटेक्टर लगाकर इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो वेव के बजाय पार्टिकल्स की तरह बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई दिमाग थोड़ी है जो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें देखा जा रहा है और वो अपना बिहेवियर बदल देते हैं। पर जो हो रहा था वो आंखों के सामने था, इसे किसी भी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। असल में होता क्या है, क्वांटम पार्टिकल्स कई पॉसिबल स्टेट की सुपरपोजिशन में मौजूद रहते हैं, इसे साइंटिस्ट प्रोबेबिलिटी वेव कहते हैं, और इस स्टेट को एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इनको मेजर करने की कोशिश करते हैं तो ये किसी एक पॉसिबल स्टेट में कोलैप्स हो जाते हैं, इसे कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन कहते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स के इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कई तरह की इंटरप्रिटेशन दी जाती हैं। इन्हीं इंटरप्रिटेशन में से एक इंटरप्रिटेशन है वॉन न्यूमर विग्नर इंटरप्रिटेशन, जिसके अनुसार इस कोलैप्स का रीजन कॉन्शियसनेस हो सकती है। इस इंटरप्रिटेशन को सबसे पहले प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट वॉन न्यूमन का कहना था कि एक पार्टिकल जो कि सुपरपोजिशन में हो वो अपने से इंटरेक्ट करने वाली हर चीज को सुपरपोजिशन की स्टेट में ला सकता है। उस पार्टिकल से लेकर पूरे मेजरमेंट एपरेटस की हर चीज सुपरपोजिशन में आ जाएगी। और चूंकि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि इस चेन को ब्रेक कर सके, तो हो सकता है इस सुपरपोजिशन की चेन का अंत किसी एक्स्ट्रा फिजिकल चीज पर जाकर हो, और जो कि किसी ऑब्जर्वर का कॉन्शियस परसेप्शन हो सकता है। आई नो ये सब समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो चलिए आपको एकदम शुरू से समझाता हूँ। श्रोडिंगर्स कैट थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में शायद आपने सुना होगा। फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर ने क्वांटम सुपरपोजिशन के पैराडॉक्स को समझाने के लिए इस थॉट एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया था। इस एक्सपेरिमेंट में एक हाइपोथेटिकल कैट को लिया गया है जो कि एक बॉक्स में बंद है। उस बॉक्स में एक जहरीली गैस से भरा हुआ एक सील्ड फ्लास्क भी मौजूद है। ये फ्लास्क एक हैमर डिवाइस के निशाने पर है, जिसमें हैमर का चलना ना चलना एक रेडियोएक्टिव एटम के डीके होने पर डिपेंड करेगा। अगर एटम डीके हुआ तो हैमर चल जाएगा और फ्लास्क में जहरीली गैस के निकलने से वो कैट मर जाएगी। बॉक्स पूरी तरह से बंद है, जिसे खोले बिना हम ये नहीं पता कर सकते कि वो कैट जिंदा है या मर चुकी है। श्रोडिंगर का कहना था कि वो कैट हमारे लिए एक सुपरपोजिशन की स्टेट में है। वो एक ही समय में जिंदा भी है और मरी हुई भी है। जब हम उस बॉक्स को खोलकर देखते हैं तब ये सुपरपोजिशन की स्टेट किसी एक आउटकम में कोलैप्स हो जाती है। फिजिसिस्ट पॉल विग्नर ने इस थॉट एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप और आगे बढ़ाकर एक नया थॉट एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, जिसे आज हम विग्नर्स फ्रेंड के नाम से जानते हैं। उनका कहना था कि सपोज कीजिए कि आप एक क्लोज रूम में एक पार्टिकल को मेजर कर रहे हैं जो कि लेफ्ट और राइट की सुपरपोजिशन में है। इस रूम के बाहर आपका फ्रेंड आपका वेट कर रहा है ये जानने के लिए कि आपने क्या मेजर किया। जब तक आप उसे मेजरमेंट का रिजल्ट नहीं बताते तब तक आप उसके लिए एक सुपरपोजिशन की स्टेट में है। विग्नर का कहना था कि पार्टिकल मेजरमेंट एपरेटस से लेकर ऑब्जर्वर तक सभी चीजों का सुपरपोजिशन में होना समझ में आता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसका सुपरपोजिशन में होना समझ नहीं आता, और वो है किसी पर्सन का कॉन्शियस परसेप्शन। तो हो ना हो इट्स एक्चुअली कॉन्शियसनेस विच कोलैप्सेस द वेव फंक्शन। पॉल विग्नर और वॉन न्यूमन की ये इंटरप्रिटेशन जो ये कहती है कि कॉन्शियसनेस वेव फंक्शन को कोलैप्स करती है को हम वॉन न्यूमन विग्नर इंटरप्रिटेशन के नाम से जानते हैं। और ये वास्तव में एक इंटरप्रिटेशन है, कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि साइंस में थ्योरी उसे कहते हैं जिसको लेकर कोई मैथ डेवलप की जा सके और जिसके जरिए किसी चीज के आउटकम को हम प्रिडिक्ट कर सकें। पर यहां हमें कोई प्रिडिक्टिव पावर नहीं मिल रही है और इसीलिए ये जस्ट एक इंटरप्रिटेशन है,
और क्वांटम मैकेनिक्स की सिर्फ यही एक इंटरप्रिटेशन नहीं है बल्कि कई और भी इंटरप्रिटेशन है जिसमें कि कॉन्शियसनेस को इक्वेशन में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक इस इंटरप्रिटेशन की बात है तो इसके साथ कई प्रॉब्लम भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि अभी ठीक से डिफाइंड नहीं है। जैसे किसी क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है। साइंस में ऑब्जर्वेशन का मतलब किसी चीज को आंखों से देखना या किसी सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस करना नहीं होता। साइंस में ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी एपरेटस से की गई कोई मेजरमेंट जिसके रिजल्ट में हमें कुछ डेटा मिलता है। ध्यान रहे, ऑब्जर्वेशन यहां किसी एपरेटस से की जा रही है। हम सीधे पार्टिकल को नहीं देख रहे। वैसे भी क्वांटम पार्टिकल्स को देख पाना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। दूसरी चीज, कोई भी मेजरमेंट किसी सिस्टम से इंटरेक्ट किए बिना नहीं किया जा सकती। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी जब हम इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर लगाते हैं तो वो डिटेक्टर भी इलेक्ट्रॉन से टकराकर आने वाले फोटोन को ही सेंस करके इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है। तो देखा जाए तो यहां ह्यूमन ऑब्जर्वर का सीधे तौर पर ऑब्जर्वेशन में कोई रोल नहीं है। अगर हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करके छोड़ दें और लैब में कोई ना भी हो तो भी रिजल्ट सेम ही आते हैं। और फिर कॉन्शियसनेस, जिसे ये इंटरप्रिटेशन कोलैप्स का रीजन बताती है, वो भी अभी सही से डिफाइंड नहीं है। कॉन्शियसनेस क्या है, ये कैसे काम करती है, इन सवालों का जवाब अभी खोजा जाना बाकी है। और यहां तो पहले से ही इसे एक्स्ट्रा फिजिकल की तरह प्री एज्यूम कर लिया गया है। किसी चीज को एक्स्ट्रा फिजिकल बताना कई तरह की फिलोसफिकल प्रॉब्लम पैदा कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास किसी एक्स्ट्रा फिजिकल चीज के होने का सबूत ही नहीं है। लंबे समय से जिन चीजों की समझ हमें नहीं है उन्हें हम कोई एक्स्ट्रा फिजिकल कॉज देकर एक्सप्लेन करते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें उनके फिजिकल कॉजेज मिलते गए एक्स्ट्रा फिजिकल कॉजेज की जरूरत खत्म होती है। अगर किसी एक्स्ट्रा फिजिकल कॉज को कंसीडर कर भी लिया जाए तो भी एक फिलोसफिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और वो ये कि कोई एक्स्ट्रा फिजिकल चीज किसी फिजिकल चीज को कैसे इफेक्ट कर सकती है। अगर कर सकती है तो फिर वो एक्स्ट्रा फिजिकल नहीं रहेगी क्योंकि तब वो हमारे ऑब्जर्वेशन के दायरे में आ जाएगी, तब हम उसे अपने एपरेटस के थ्रू मेजर कर सकें। इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए कुछ लोग कॉन्शियसनेस के लिए एक थ्योरी देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी 2021 में डेविड चामर और कैल्विन मैक्वीन ने एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें उनका कहना है कि हर चीज थोड़ी बहुत मात्रा में कॉन्शियस है। कोई सिस्टम कितना ज्यादा कॉन्शियस है वो उस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कोई सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना ही ज्यादा कॉन्शियस होगा। जब किसी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी एक सफिशियंट लेवल पर पहुंच जाती है तो वो इतना कॉन्शियस हो जाता है कि वो वेव फंक्शन को कोलैप्स कर सके। उनका कहना है कि फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर इतने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कि वो वेव फंक्शन को कोलैप्स कर सके। एक फिलोसफर के तौर पर डेविड चामर की आर्गुमेंट ठीक ठाक है, पर असल में दिक्कत यहां पर यह है कि कॉन्शियसनेस ही कोलैप्स का रीजन है, ये अभी साबित नहीं हुआ है। ये जस्ट एक इंटरप्रिटेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की कई और इंटरप्रिटेशन की तरह। कोलैप्स का रीजन असल में क्या है ये अभी कोई भी नहीं जानता, तो ऐसे में कॉन्शियसनेस के लिए कोई थ्योरी गढ़ देने से बात नहीं बनेगी। हमें पहले एक्सपेरिमेंटली ये साबित करना होगा कि वास्तव में कॉन्शियसनेस ही कोलैप्स का रीजन है। क्वांटम फिजिक्स के इस फिनोमेना को लेकर कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि इससे ये साबित हो चुका है कि हम अपने थॉट्स से फिजिकल वर्ल्ड को अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्पिरिचुअल गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर दिन रात जोर शोर से इसका प्रचार करते रहते हैं। उनका कहना है कि अगर आप सफलता के बारे में दिन रात सोचेंगे तो आप सफल हो जाएंगे क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ऐसा कहता है। मुझे नहीं पता इस तरीके से कितने लोग सफल हुए हैं, पर हाँ जो लोग इसका प्रचार कर रहे हैं वो जरूर इसके जरिए दौलत शौहरत कमाने में सफल हो गए। हम अपने थॉट्स के जरिए चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं ये कोई नया विचार नहीं है, बल्कि काफी समय से इस तरह के आइडियाज हमारे बीच में मौजूद रहे। जैसे ऐसा माना जाता है कि प्रेयर करने से हम यूनिवर्स को इस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें। इसी तरह आशीर्वाद और शाप का भी कॉन्सेप्ट है। साइकिक एबिलिटीज का दावा करने वाले लोग थॉट्स के जरिए चीजों को हिलाने का दावा करते हैं। क्या हम थॉट्स के जरिए फिजिकल रियलिटी में कोई बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि क्या सोचने से हम इलेक्ट्रॉन को मनमानी स्लिट से गुजरने पर मजबूर कर सकते हैं? सुनने में यह वियर्ड लगता है पर ऐसा एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में करके देखा जा चुका है। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट को डीन रेडिन और उनके साथियों ने 2012 में कंडक्ट किया था, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को बोला गया था कि वो स्लिट्स पर अपना ध्यान फोकस करें और दोनों में से एक स्लिट को मेंटली ब्लॉक करने की कोशिश करें ताकि इलेक्ट्रॉन केवल एक ही स्लिट से गुजर सके। और इस तरह बने पैटर्न्स को उन पैटर्न से मिलाया गया जब स्लिट्स को मेंटली ब्लॉक नहीं किया गया था। उनका कहना था कि दोनों में कुछ फर्क पाया गया, हालांकि बाद में उनकी रिसर्च को अदर साइंटिस्ट के ग्रुप ने
चैलेंज किया और बताया कि उनके रिसर्च मेथड में काफी खामियां हैं और उनकी रिसर्च पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह की रिसर्च पहले भी की जा चुकी है और सभी में न केवल इसी तरह की खामियां पाई गई बल्कि उनके रिजल्ट्स को भी रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सका। कुछ लोगों का कहना है कि यूनिवर्स में हर चीज दूसरी चीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती ही है। जैसे कि जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज से पैदा होने वाली साउंड वेव्स हवा में दूर तक फैल जाती हैं। भले ही इन साउंड वेव्स की इंटेंसिटी डायरेक्टली किसी इफेक्ट को पैदा करने के लिहाज से कम हो, लेकिन ये हमारे आसपास मौजूद यूनिवर्स पर कोई इफेक्ट तो डालती ही होंगी। जिस तरह उंगली का हल्का सा जोर गन को फायर करने के लिए काफी होता है जिससे निकली गोली किसी की जान ले लेती, और अगर वो कोई इंपॉर्टेंट फिगर हो तो पूरी दुनिया एक राजनीतिक संकट से गुजर सकती है। उसी तरह ये मामूली से इफेक्ट किसी बड़े इवेंट को ट्रिगर कर सकते हैं। इसी तरह हमारा ब्रेन भी अपने काम के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। मे बी ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिवर्स को इस तरह से अफेक्ट करता हो कि वो इसी तरह किसी बड़े इवेंट को ट्रिगर कर सके, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि हमारे सोचने से हम अपने आसपास की चीजों को डिजायर्ड वे में अफेक्ट कर सके। वेल, अगर इस आइडिया को सीरियसली लिया जाए तो इसके साथ कई प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की इवेंट चेन कितनी लंबी होगी और उसका क्या आउटकम होगा, या कोई आउटकम होगा भी या नहीं, ये फिक्स नहीं है क्योंकि यहां पर कोई फिक्स सिस्टम नहीं है जिसमें इंसिडेंट ए होने पर उसका आउटकम इंसिडेंट बी होगा, बल्कि ये क्योस है। यहां पर आउटकम कुछ भी हो सकता है, यानी जो आपने सोचा है उसके एकदम उलट भी। और दूसरी चीज कि इस यूनिवर्स में सिर्फ आप नहीं है जो कि अपने आसपास की चीजों को अफेक्ट कर रहे हैं, बल्कि और भी तमाम लोग और चीजें हैं और सभी एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ब्रेन प्रोड्यूस करता है उससे कई गुना ज्यादा आपके घर में मौजूद इलेक्ट्रिक वायरिंग या फिर जो मोबाइल आपने हाथ में पकड़ा हुआ है ये प्रोड्यूस करता है। तो ये सब भी तो किसी इवेंट को ट्रिगर करते होंगे। कौन जाने आपकी मिक्सी की वजह से आपका प्रमोशन रुक गया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि क्वांटम फिजिक्स हमें इस दुनिया के बारे में कुछ हैरतअंगेज फैक्ट्स बताता है। इनका कोई सटीक एक्सप्लेनेशन अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन फैक्ट्स का मनमाना एक्सप्लेनेशन देकर कोई कुछ भी दावे करने लगे, जैसा कि आज कुछ स्पिरिचुअल गुरु कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स चूंकि एक टफ सब्जेक्ट है और एक आम इंसान के लिए इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसीलिए इनके दावों की पड़ताल भी उनके लिए मुश्किल हो जाती है।